अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमबिस्तरी के 20 सवालों के जवाब बताएंगे कि इस्लाम में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने का सही तरीका क्या है। क्या खड़े होकर हमबिस्तरी करना ठीक है या बीवी के पिछले हिस्से में हमबिस्तरी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, बीवी से हमबिस्तरी के दौरान कई ऐसे काम होते हैं जो इस्लाम में हराम और नाजायज है। इन कामों के बारे में न जानने की वजह से लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसके अलावा कुछ काम मकरूह और नापसंद होते हैं जिन्हें भी नहीं करना चाहिए। हमबिस्तरी में जो काम हराम है उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो मकरूह है उनसे भी बचना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ वो काम करने की इजाज़त है जो हलाल और जायज है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हलाल हैं और कौन से हराम। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें इन सभी सवालों के जवाब दिए जा सके। वीडियो पूरी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इस्लाम में कौन से तरीके सही हैं और कौन से गलत। वीडियो बहुत जानकारी से भरी हुई है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आप पूछने में शर्माते हैं और जानना भी चाहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट ना करें और वीडियो पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के बीच शौहर का अपने उज्वय तनासुल यानी अपनी शर्मगाह रगड़कर मणि खारिज करना कैसा। तो इसका जवाब ये है कि हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और हमबिस्तरी के अलावा किसी दूसरे तरीके से मर्द या औरत अपने जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है। इसीलिए हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करें और ना ही अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी दूसरा तरीका अपनाएं। नंबर दो, क्या बीवी अपने शौहर का उज्वे तनासुल को पकड़कर यानी शौहर का लिंग पकड़कर उसको फारिग कर सकती है। मतलब ये कि क्या बीवी अपने शौहर का लिंग पकड़कर मालिश करके उसका मनी निकाल सकती है। मास्टरबेशन यानी मुस्तजनी इस्लाम में नाजायज और मकरूह है, फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या बीवी के हाथ से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। बीवी अपने शौहर का उज्वय तनासुल को पकड़कर यानी शौहर का लिंग पकड़कर उसको फारिग करती है, उसका मणि निकालती है, तो वो भी तो मुस्तजनी ही कहलाएगा ना। इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूहे तंजीही कहा गया है, इसीलिए ऐसा हरगिज ना करें। नंबर तीन, क्या हमबिस्तरी से पहले मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं। हमबिस्तरी से पहले शौहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है, मतलब मियां बीवी दोनों हमबिस्तरी से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या नंगे होकर हमबिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। सवाल नंबर चार, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है। पिछला हिस्सा यानी बीवी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी बैक साइड के रास्ते से हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं। इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना हराम है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर को मना कर और समझाए कि यह हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनाहगार होंगे, लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। नंबर पाँच, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है, क्या ऐसा करना जायज है या नहीं। आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत निहायत ही गलत दर्जे की हरकत है और हराम है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, वो निकासी की जगह होती है, जिस्म का गंदा पानी वहां से बाहर निकलता है जो नापाक होती है, और अगर वो मुंह में चली जाए तो हराम है, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। नंबर छह, बीवी के पिस्तानों के बीच क्या शौहर अपना नफ्स रगड़कर अपनी मनी निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है, क्या ऐसा करना सही है। इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुतालिक था जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में अपनी जिंसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है और वो है बीवी से हमबिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की सीट नहीं, कुरूसी की करी की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है।
तो इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच में अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है। अगर आप अपने आप को फारिग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, क्या मियां बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनहगार होंगे? मियां बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोए, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना या बीवी अपने शौहर के आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हमबिस्तरी करे खेलते हुए, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज है? मियां बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर बीवी राजी है तो शौहर बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से बीवी के हाथ पैर भी बांधकर ऐसा कर सकता है और हमबिस्तरी कर सकता है, मगर रजामंदी दोनों की होनी जरूरी है। इसी तरह बीवी भी अगर शौहर के साथ खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है, और इसमें भी रजामंदी दोनों की होनी जरूरी है, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मणि खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मणि खारिज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तजनी कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह तंजीही है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियां बीवी अपनी जिंसी कहवाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करके ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर जिस्म को छाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को छाटना, क्या ये सही है? तो सुने, बीवी के जिस्म को जुबान से छाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होठ को चूम सकते हैं, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को जुबान से चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है, मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। नंबर 11, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शौहर का अपनी बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है, और उसी तरह बीवी का भी अपने शौहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीवी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शौहर अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाजत से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या शौहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी? अगर मुंह से चाटे तो क्या ये गुनाह होगा? मियां, बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना नाजायज और हराम है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहां से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है जो नजिस होती है, इसीलिए मियां बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। नंबर 14, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है, यानी पूरे कपड़े न पहने,
बल्कि केवल शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर क्या सो सकती है? क्या मियां बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, मियां बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। ये जायज है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को डांककर ही गुस्ल करें। मतलब बीवी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और इसी तरह शौहर भी अपनी शर्मगाह को ढकने के लिए निकर या लुंगी पहने और फिर दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 16। क्या मियां बीवी दोनों एक दूसरे के जेरे नाफ के बाल काट सकते हैं? मियां बीवी को एक दूसरे के जेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के काटना यह अदब के लिहाज से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या ऐसी किसी बड़ी मजबूरी में कि शौहर अपना बाल नहीं काट सकता है या बीवी अपनी शर्मगाह के बाल नहीं काट सकती, तब शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है। मगर बिना किसी कारण के सिर्फ शौक या मजे के लिए ऐसा करना ये गलत है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। नंबर 17। क्या पूरे कपड़े उतार कर हमबिस्तरी करना जायज है? जब मियां बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में भी हमबिस्तरी करना चाहे कर सकते हैं। ये जायज है। एक हदीस में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हजरत आयशा ने आपका कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही आपने कभी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला हया को पसंद करता है। लिहाजा अगर आप इन अहादीस को सामने रखिए तो मसला ये है कि पूरे कपड़े उतार कर हमबिस्तरी जायज़ तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी न चमके। नंबर 18। क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हमबिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर पावर है, ताकत है, स्टैमिना है और बीवी भी राजी है तो एक रात में कई बार हमबिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन एक रात में कई बार हमबिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर के जिंसी ख्वाहिशात कम होने लगती है और वह कमज़ोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हमबिस्तरी करें, कई बार करने से बचना चाहिए। नंबर 19। हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना या सहलाना क्या सही है? ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़? हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियां बीवी दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हमबिस्तरी करने का मन है और बीवी राजी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 20। क्या खड़े होकर या बैठकर हमबिस्तरी करना जायज़ है? हमबिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर करने से मना भी नहीं किया गया है। इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हमबिस्तरी कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेट कर ही होता है। तो मेरे दोस्तों, ये थे 20 हमबिस्तरी से मुतालिक सवाल और उनके जवाब। ये सभी सवाल जवाब हर मुसलमान भाई बहन को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी मसलों के बारे में जान गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इन मसलों पर इल्म हो। बहुत से लोगों को इस्लाम में क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ हलाल है इसका इल्म नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग गुनाह के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो मेरे दोस्तों, फिलहाल कि इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।